आजकल ये है कि जैसे पैसे को इतना महत्व दिया जाता है। हाँ जी, पैसा पैसा। हाँ जी, तो पहले जैसे कोई भी जैसे लोग होते थे, जनरेशन होती थी, वो एक दूसरे की बहुत हेल्प करते थे। हाँ। और आजकल मदद की टाइम पे कोई भी मदद करने के लिए राजी नहीं होता है। हाँ। सब उसका लेवल चेक करते हैं, पहले नौकरी चेक करते हैं कि बंदा किस लेवल पे स्टैंडर्ड है, उसी हिसाब हाँ। से उस बंदे को इज्जत दी जाती है। हाँ। तो ये पैसा भगवान ने एक्चुअली बनाया क्यों है, किस चीज के लिए बनाया पैसा? उन्होंने बनाया, उन्होंने थोड़ी डॉलर बनाया, उन्होंने थोड़ी रुपए बनाए, उन्होंने तो बनाया नहीं था। पहले तो बार्टर सिस्टम था। बार्टर का मतलब तेरे पास गेहूं है, इनके पास चावल है, आपस में ले ले, पैसे तो बनाए नहीं भगवान ने, अब बदमाशी करें हम और लगाएं उंगली भगवान पे। पहले तो ये सिस्टम था, पैसा तो बाद में आया है, पहले नहीं था ये। अब तो आपका हमारा कमाल है ये, और अब पैसा भी खत्म हो रहा है। आज से 100 साल बाद जन्म लोगे और आज याद आ गया ना, तो कहोगे यार पहले पैसे हुआ करते, तो डिजिटल हो गया सब, अब तो पैसा है ही नहीं मेरे पास, नंबर है। क्या है? नंबर है, है? बिजनेसमैन से पूछो जरा, ट्रांसफर होता है सर्विसमैन को, है रोहित तेरे पास कितने पैसे आते हैं? कैश देते हैं हाथ में, डिजिट आते हैं। क्या आते हैं? डिजिट। कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है। आज आप सब फोकड़ हो, बैंक में डिजिट है सिर्फ। जवान प्रभु पेंशन कैसे आती है? नोट मिलते हैं, डिजिट। हाँ बस, खुश हो रहे हो नंबर देख के, मूर्ख कहीं के सब है प्रभु जी। सही बात है गलत बात है? AI आ रही है, आएगा कोई सारा बैंक साफ, नंबर ही तो है, बताइए। और बड़े खुश हो रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हो रही है। अबे भिखारी बन रहे आते, तेरे पैसे की वैल्यू ही नहीं है, क्या करोगे? तो इसलिए प्रभु जी आज का दिन है, कलयुग का कृपा है, कलयुग फंसा रहा है। तो भगवान ने ये पैसा सिस्टम नहीं बनाया। और दूसरी बात यह है, दूसरा हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो आपके कर्मों के हिसाब से है। आपने उसका कभी हेल्प ही नहीं किया पिछले जन्मों में, तो उसकी हेल्प कैसे मिल जाएगी आपको? दूसरा, भक्ति में आ जाओ, हेल्प ही नहीं चाहिए, भगवान की सेवा करो, मस्त होकर। और मजे की बात है, लोग डिसाइड भी रिलेशनशिप, जैसे आपने ही अभी कहा, रिलेशनशिप डिसाइड कैसे करते हैं? ये मेरी पैसे से हेल्प करता है इसलिए अच्छा है, ये मेरी पैसे से हेल्प नहीं करता इसलिए बुरा है। आप भी तो इसी भाव में चल रहे हो जो पूछ रहे थे मुझसे प्रश्न, बताइए नहीं है सेम? है राधा कृष्ण प्रभु, बताओ इन्होंने भी कैसे डिसाइड किया कि पैसे से हेल्प कर रहा है तो अच्छा है, पैसे से हेल्प नहीं कर रहा तो अच्छा नहीं है? तो बेसिक है ये तो, परंतु असली हेल्प तो ये है, मुझे भक्ति दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है कि दे रहा है, उसको हेल्प माना जाता है। परंतु आज देखिए कितनी बुरी हालत हो गई हमारी कि हम क्या हेल्प मांगते हैं, पैसे से हेल्प करे तो अच्छा है, नहीं हेल्प करे तो बेकार है। अरे बड़ा अकड़े में चलता है, पैसे मिल गए तो देता नहीं है। अरे उसके पैसे उसका रहने दे, देगा देगा, नहीं देगा नहीं देगा। तो इसलिए आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी ऐसे हैं, सभी ऐसे। तो इसलिए अपने कर्मों के हिसाब से जो मिलना है मिलेगा। इसलिए एक चीज ध्यान रखिए, वो आपके हाथ में, लोन मत लो, किसी हालत से भी लोन मत लो, बर्बाद हो जाओगे। और आपके लोन जो होते हैं सारे के सारे अनप्रोडक्टिव होते हैं। अनप्रोडक्टिव का मतलब क्या है? जो उत्पाद और पैसा नहीं लाते। ये लोन तो बिल्कुल गलत होते हैं, टीवी के लिए लोन, कार के लिए लोन, इसे पैसे कमा रहे हो, डेप्रिशिएट हो रहा है, ये काम हो रहा है, बिल्कुल ही बेकार। ऐसे तो लोन लेना ही बेकार है, सारा शास्त्र तो यही कहते हैं।